सामाजिक न्याय की अवधारणा में किसी भी पायदान के नीचे से नीचे वाले वर्ग को अगर कुछ भी मिलता है उसका विरोध नहीं करना चाहिए कि आरक्षण का और शिक्षा का लाभ किन जातियों को अपेक्षाकृत कम मिला है और किन को बहुत कम मिला है। एससी वर्ग उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि उस पर क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया जाए। आरक्षण का लाभ बहुत कम उठा पाई। अब इसमें दूसरों का दोष नहीं है, उनके पास शिक्षा के अवसर नहीं थे, तमाम दिक्कतें रही हैं। जो सब तर्क आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दिए जाते थे, आज वही सब तर्क वर्गीकरण के पक्ष विपक्ष में दिए जा रहे हैं, जो ठीक नहीं कि जातिवार जनगणना का सवाल अब मुख्य धारा की पार्टियां उठा रही हैं। पहले बसपा उठाती थी, सपा उठाती थी, राजद उठाते थे, लेकिन कहा जाता था ये जातिगत पार्टियां हैं। कुछ उस जजमेंट में मिसयूज की गुंजाइश है जिसके बारे में विचार होना चाहिए, लेकिन मेरी मान्यता है कुल मिला के इस जजमेंट का विरोध नहीं होना चाहिए। और वजह ये है, ये जजमेंट दलित समाज का जो सबसे दबा हुआ वर्ग है उसके पक्ष में दिया गया है। और मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय की अवधारणा में किसी भी पायदान के नीचे से नीचे वाले वर्ग को अगर कुछ भी मिलता है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्रीमी लेयर का विचार जो जोड़ा गया है वो मेरे ख्याल से अटपटा है उस विचार के बारे में, और ये तो जजमेंट भी नहीं है दरअसल, लेकिन उसके बारे में मेरी रिजर्वेशंस हैं। और मेरी अपनी मान्यता है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को आज की स्थिति में एससी समाज पे लागू नहीं किया जाना। कहा जा रहा है क्रीमी लेयर की पहचान कैसे होगी? दो अलग चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इस जजमेंट के बारे में इतनी कम सूचना लोगों को है कि हम सही चीज़ों को घालमेल कर देते हैं। दो अलग बातें हैं, एक है वर्गीकरण। वर्गीकरण में ये कि कौन सी जातियाँ अपेक्षाकृत ज़्यादा पिछड़ी हैं और कौन सी जातियाँ अपेक्षाकृत कम पिछड़ी हैं, ये बहुत आसान काम है, ये किया जा सकता है क्योंकि इसके सेंसस के आंकड़े उपलब्ध हैं, किसी भी राज्य के आंकड़े उपलब्ध हैं, मैंने खुद वो आंकड़े देखे हैं, और इसके आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है कि आरक्षण का और शिक्षा का लाभ किन जातियों को अपेक्षाकृत कम मिला है और किन को बहुत कम मिला है। जो क्रीमी लेयर है वो बिल्कुल एक अलग अवधारणा है, वो जातियों के बारे में नहीं है, क्रीमी लेयर व्यक्तियों के बारे में, परिवारों के बारे में, जिसे ओबीसी पे लागू किया गया था। ओबीसी पर क्रीमी लेयर लागू करने का तर्क मुझे समझ आता है, लेकिन फिलहाल एससी वर्ग उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि उस पर क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया जाए। तो मेरी अपनी मान्यता है कि वर्गीकरण का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रीमी लेयर की धारणा अभी लागू नहीं होनी चाहिए। बहुजन समाज के तमाम नेताओं सामने आ रहे हैं, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, चंद्रशेखर हो, चिराग पासवान हो, वो कह रहे हैं कि ये आरक्षण खत्म करने की साजिश है। आपको साजिश नजर आती है? मैंने सुनी उनकी बात, लेकिन जब भी ऐसी बात हो याद रखिए ये प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था ये दलित बनाम बाकी समाज का प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न था दलित बनाम महादलित का। बनाम तो नहीं है, दलित और महादलित में जो अंतर है उसका है। इसलिए मैं मायावती जी की बात को सुनना चाहूँगा, मैं चिराग पासवान जी की बात को सुनना चाहूँगा, लेकिन साथ साथ में मैं उनकी बात भी सुनना चाहूँगा जिनके लिए केस था, ये वाल्मीकि समाज, मुसहर समाज, भूया समाज, मांग समाज, मादिगा समाज, उनकी बात क्या है? जजमेंट उनके लिए है। इसको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये आरक्षण देश में होना चाहिए या नहीं, होना तो चाहिए, पर क्या आरक्षण के भीतर उनके लिए वर्गीकरण होना चाहिए जिस तरह से ओबीसी के लिए है? ओबीसी के लिए पूरे देश में अलग अलग वर्गीकरण, क्या दलित समाज में भी ऐसा वर्गीकरण होना चाहिए? मेरी काफ़ी समय से ये समझ रही है कि अब दलित समाज में वर्गीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि हर जगह हर राज्य में कुछ ऐसी जातियां समाज हैं जो आरक्षण का लाभ बहुत कम उठा पाई। अब इसमें दूसरों का दोष नहीं है, उनके पास शिक्षा के अवसर नहीं थे, तमाम दिक्कतें रही, लेकिन उन्हें किसी अब एक सब कोटा की आवश्यकता है,
और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत बंद का ऐलान है और जो माहौल बन रहा है उसमें दलित खेमे में जो है आपस में बंटवारा दिख रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि दलितों में ही बंटवारा लग रहा है। इस बंटवारे को मुझे नहीं लगता दलित खेमे में बंटवारा है, लेकिन बंटवारा हो सकता है अगर कुछ खास तरह की राजनीति की गई तो। मेरे विचार से इस बंटवारे को तोड़ने का सबसे सरल तरीका ये है कि जिन जातियों को दलित समाज में अपेक्षाकृत बेहतर अवसर मिले उसके नेता आगे बढ़ के कहें कि हाँ दूसरों को नहीं मिले, मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा ना, बंटवारा समाप्त हो जाएगा। अगर वो कहें कि नहीं नहीं इनको क्यों मिलना चाहिए, तब तो बंटवारा होगा ना। मैं समझता हूँ बाबा साहब को याद रखें, जब बाबा साहब ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान पिछड़े दलित संपर्क का सवाल उठाया था, जिसे उन दिनों डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, तो लोगों ने यही कहा था बांटने की कोशिश कर रहा है, देश बट जाएगा, ये तो गड़बड़ है, बाद में पूछना है सवाल। आज हम जानते हैं कि उस समय डिप्राइव क्लासेस का दलित सवाल उठाने से देश बटता नहीं है, देश जुड़ता है। तो सच्ची देश की यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि इन सवालों को ढका ना जाए, इनका सामना किया जाए। और अगर मायावती जी जैसे नेता खुद चार कदम आगे बढ़ के कहें कि मैं जानती हूँ कि वाल्मीकि समाज को बहुत कम मिला है, जो सच्चाई है, और वो कहें कि हाँ उनको आज अगर मिल रहा है तो मैं तो अपनी तरफ से 1% ज़्यादा देने को तैयार हूँ, आप देखिए रातों रात यूनिटी हो, यूनिटी इस तरह से बनती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है, आपातकाल जैसा है ये। मैंने सुना मगर मैंने उनके तर्क नहीं सुने इसके बारे में। आपातकाल तो उन्होंने कहा, क्यों ये आपातकाल बन गया है इसका तर्क मैं जानना चाहता हूँ। याद रखिए, फिर मैं कहता हूँ, जिस तरह से जो सब तर्क आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दिए जाते थे, आज वही सब तर्क वर्गीकरण के पक्ष विपक्ष में दिए जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। सर, इस मुद्दे के अलावा संसद में जो है राहुल गांधी की जाति पूछी गई, और उसके बाद क्या लगता है कि सामाजिक न्याय की बातें होने लगी हैं संसद तक? मैं ये दौर जो है सामाजिक न्याय का है, अभी दौर नहीं बना है, वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम जातिगत आरक्षण का, जातिगत जनगणना का सवाल उठने लगा है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है इस देश में कि जातिवार जनगणना का सवाल अब मुख्यधारा की पार्टियाँ उठा रही हैं। पहले बसपा उठाती थी, सपा उठाती थी, राजद उठाते थे, लेकिन कहा जाता था ये जातिगत पार्टियाँ हैं, लेकिन अब मुख्यधारा की पार्टी का नेता उठा रहा है, ये देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी करवट का संकेत है। लेकिन सर, उठा तो रहे मुद्दे, लेकिन जाति जनगणना का आश्वासन देने के बजाय तो ये पूछा जा रहा है ना कि जो जाति जनगणना की बात कर रहा है उसे अपनी जाति नहीं पता। जाहिर है, जिस समाज में इतना जातिगत भेद हो, विद्वेष हो, वहाँ कहीं ना कहीं तो आएगा। और ये कहना कि किसी व्यक्ति को अगर मैं पलट के आप मुझे कहें कि तेरी तो जाति नहीं पता, इसका मतलब कहा क्या जा रहा है उसको, उस व्यक्ति को कहा जा रहा है तेरा खून क्या है हमें पता नहीं है ना। हमारे समाज में किसी व्यक्ति को सबसे बड़ी गाली यही है कि तेरी तो जात क्या है पता नहीं है, मतलब तुम्हारी पैदाइश कैसे हुई है कोई दुनिया जानती नहीं। ये जातीय विद्वेष का और एक इस देश के जो चंद जातियों का जो वर्चस्व रहा है, उनके एक जातीय अहंकार का प्रतीक है। लोकतंत्र बड़ों बड़ों का अहंकार तोड़ देता है, ये भी तोड़ देता है। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी अभी तक जो आवाज़ें उठ रही हैं, बीजेपी नहीं लग रहा है कि वो इनके हाथ में आएंगे, लेकिन क्या लगता है कि उन्हें आखिरकार आना पड़ेगा ये जाति जनगणना के मुद्दे पर या सामाजिक न्याय के मुद्दे पर? मैं समझता हूँ अब जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा दिया है और चुनाव के बाद ये स्पष्ट है कि केवल चुनावी मुद्दा नहीं था, कांग्रेस अभी भी उस पर कायम है, राहुल गांधी कायम है, बोल रहे हैं, बीजेपी के पास कुछ समय तो टालेगी, लेकिन आप देखते जाइए घूम फिर के बीजेपी भी इस एजेंडा पे आएगी, क्योंकि वोट तो उसे भी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।